हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। हम लोग बच्चे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, और जिसमें आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। और इसके अंतर्गत भी हम लोग जो भी आए हुए प्रश्न हैं बच्चे, उनके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपके पास समय कम है तो अगर इन वीडियो लेक्चर्स को आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। वो आपको अगर KVS का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या नवोदय विद्यालय का दे रहे हैं बच्चे, या कोई बच्चा यूपी टेट दे रहा है या RRBs का पेपर दे रहा है, ठीक है, या फिर SSC का पेपर दे रहा है तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस का दे रहा है, चाहे वो कांस्टेबल के लिए हो या फिर, ठीक है, इंस्पेक्टर के लिए हो, तो UPSI के लिए हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी बच्चे। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में जो पहला प्रश्न लेंगे बच्चे, वो पहला प्रश्न ये है बच्चे कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका आंसर है बच्चे अनुच्छेद 16, यानी अनुच्छेद जो 16 है बच्चे, इसी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और भारत में जो आरक्षण दिया जाता है या जिस सिद्धांत के द्वारा भारत में आरक्षण दिया गया है बच्चे, उसको हम लोग रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर हमारे आरक्षण दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट को हमने 15% दे दिया है, शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% का है बच्चे, अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% का आरक्षण है, और ये आरक्षण लोक नियोजन में मिलता है, ठीक है ना। जो लोक नियोजन है बच्चे, लोक नियोजन के अंतर्गत यानी पब्लिक जो डिपार्टमेंट है बच्चे, उस पब्लिक डिपार्टमेंट के थ्रू हम सभी के अवसर के द्वारा सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं बच्चे। तो आर्टिकल जो 16 है बच्चे, यही आपके आरक्षण से संबंधित भी आर्टिकल है, और इसमें ही बच्चे संशोधन करके आरक्षण दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड्स कास्ट को बच्चे, कि उनका भी इस लोकतंत्र में, ठीक है ना, समान भागीदारी हो सके बच्चे। तो आर्टिकल 16 आपको ध्यान में रखना है बच्चे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चे, ठीक है ना, कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वहाँ पे आपको जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद जो 38 है बच्चे, उसमें ही जर्नलिस्ट अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य को एक तरह से क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था बच्चे। अगला हम प्रश्न देखते हैं बच्चे कि किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर ए रियासत कहा जाता था। तो जम्मू कश्मीर का जो हेड ऑफ स्टेट होता था बच्चे, उसको सदर ए रियासत बोला जाता था। अब अनुच्छेद 370 क्या हो गया, समाप्त हो चुका है, और जम्मू एंड कश्मीर को बच्चे एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा जो प्रशासनिक कार्यों को क्या करेगा बच्चे, देखता है बच्चे। अगला हम प्रश्न देखते हैं बच्चे कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका आंसर है बच्चे 6 वर्षों के लिए, कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और हर दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं बच्चे। तो ये चीज़ें जनरलीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चे, कि पहला विश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, यानी पहला जो विश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरा किया था। तो उसका आंसर है बच्चे BP Singh, ठीक है, 21 दिसंबर 1989 में, क्योंकि वो जो पीरियड था बच्चे, उस समय गठबंधन की सरकारें बहुत आ रही थी जा रही थी, तो उस समय BP Singh की सरकार जो थी उसे बोला गया था कि आप लोकसभा में विश्वास मत को प्राप्त करें, और उनके लिए उन्हें विश्वास प्रस्ताव जो था वो पारित कराना था। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे कि सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव पेश करने की सूचना किस प्रधानमंत्री ने दी, किंतु लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। वो चरण सिंह थे बच्चे, जो 20 अगस्त 1980 को इन्हीं के कहने पे BP Singh सरकार को विश्वास प्रस्ताव जो था वो क्या करना पड़ा था, प्रस्तुत करना पड़ा था, विश्वास प्रस्ताव गया था उनके प्रति, ठीक है बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चे वर्तमान में 7 जो हैं वो राष्ट्रीय दल हैं आपके, ठीक है ना, 7 राष्ट्रीय दल हैं, और राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों का जो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल जो
दिया जाता है किसी भी राजनीतिक दल को कि वो क्षेत्रीय दल में आएंगे या राष्ट्रीय दल में आएंगे, इसका निर्णय भारत का निर्वाचन आयोग लेता है बच्चे। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है बच्चे। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे और अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चे। ठीक है कि 16वीं लोकसभा में विरोधी दल के नेता का दर्जा किसे प्राप्त था? तो बच्चे मल्लिकार्जुन खेगड़े जो थे वो 16वीं लोकसभा में विरोधी दल के नेता का दर्जा उन्हीं को दिया गया था, तो ये ध्यान में रखना है बच्चे। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है बच्चे, ठीक है ना, कि 16वीं लोकसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष किसे चुना गया था बच्चे? तो सुमित्रा महाजन जो थी बच्चे वो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक है, और अगला हम प्रश्न देखते हैं बच्चे कि बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को बच्चे 8वीं अनुसूची में रखा गया, यानी मैथिली भाषा में भी लोग कार्य कर सकते हैं, परीक्षाएं दे सकते हैं, मैथिली भाषा को बोला भी जा सकता है बच्चे। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गाडगिल फार्मूला क्या है और कब तैयार किया गया? तो जो गाडगिल फार्मूला है बच्चे ये तैयार हुआ था 1969-70s में बच्चे, और गाडगिल फार्मूले के द्वारा ही राज्यों को आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। जो गाडगिल फार्मूला जो है बच्चे वो राज्यों को आर्थिक सहायता देने से संबंधित है बच्चे। तो जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग केंद्र सरकार को बोलता है कि राज्यों को, ठीक है ना, टोटल राजस्व का इतना प्रतिशत मिलना चाहिए, तो उसके लिए गाडगिल फार्मूला को भी क्या किया जाता है, रखा जाता है, और देन उसके बाद से डिसाइड होता है बच्चे। ठीक है ना, तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चे और अगला क्वेश्चंस देखते हैं कि संसद का भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो सर हर्बर्ट बेकर ने किया था, ये ध्यान में रखना है बच्चे। संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था बच्चे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है बच्चे? भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो उसका आंसर है बच्चे जर्मनी। यानी जो भारतीय संविधान में आपातकाल की जो अवधारणा है वो जर्मनी से ली गई है, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। और भारत शासन अधिनियम 1935, तो आपातकाल के जो प्रावधान है भारतीय संविधान में बच्चे वो जर्मनी के संविधान से भी कुछ प्रावधान उसमें लिए गए हैं, और भारतीय शासन अधिनियम में जो प्रावधान थे बच्चे उससे भी कुछ आपातकाल के प्रावधान जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो था बच्चे उससे भी कुछ प्रावधान जो हैं वो क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो वो है बच्चे संविधान संशोधन 61, जो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, उसी 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 21 वर्ष आयु पहले होती थी मतदान करने का अधिकार 21 वर्ष के लोगों को दिया गया था, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे कम करके 18 वर्ष किया गया था। तो ये आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है बच्चे कि संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? दोनों संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए बच्चे? तो वह है 6 मंथ। ठीक है, संसदीय जो कार्य होता है बच्चे उसके लिए संसद में सत्र को बुलाया जाता है, और भारतीय संसदीय प्रणाली में सत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, उसके बाद जो सत्र आता है बच्चे उसको हम लोग मानसून सत्र बोलते हैं, और उसके बाद से जो सत्र आता है उसको आप शीतकालीन या फिर विंटर सेशंस बोल सकते हैं। तो 3 सत्र होते हैं बच्चे, इन तीनों ये 2 सत्रों के बीच का अधिकतम जो गैप हो सकता है बच्चे वो 6 मंथ हो सकता है, 6 मंथ से अधिक नहीं हो सकता है। तो अगर एक सत्र की बैठक हुई, दूसरा नहीं हो पाया अगर सत्र की बैठक, तो तीसरे सत्र की बैठक आवश्यक रूप में होनी चाहिए, ऐसी संसदीय प्रक्रिया में, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में बोला गया है बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे।
आगे आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे कि केंद्र या राज्य में जारी किया हुआ अध्यादेश कितने दिन के अंदर संसद की दोबारा बैठक में अनुमोदित तो होना चाहिए। दोबारा से क्वेश्चंस बोल देता हूं बच्चे, केंद्र या राज्य में जारी किया हुआ अध्यादेश कितने दिन के अंदर संसद की दोबारा बैठक में अनुमोदित होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, वो है बच्चे 6 सप्ताह, 6 वीक होता है बच्चे, 6 वीक है मतलब 6 सप्ताह के अंत, 6 सप्ताह के बाद आपको संसद में अध्यादेश के द्वारा जो कानून लागू किया गया है उसका रेक्टिफिकेशन यानी उसको अनुमोदित कराना जो होता है बच्चे वो क्या होता है, आवश्यक होता है। तो अध्यादेश के द्वारा लागू किया हुआ कानून वो 6 वीक तक क्या करता है बच्चे, एग्जिस्ट करता है और 6 वीक के अंदर आपको क्या करना होता है, उसका रेक्टिफिकेशन कराना जो होता है वो आवश्यक होता है, अनुमोदित कराना जो होता है वो आवश्यक होता है बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रपति किस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कब करता है, भारत में राष्ट्रपति किस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कब करता है बच्चे। तो उसका आंसर है वैसे तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जाता है बच्चे किसी राज्य में जब वहाँ पे संवैधानिक रूप से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार न हो या फिर जो संविधान में बताए हुए नियम हैं बच्चे उसके अनुसार अगर उस राज्य में कार्य नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति से जो राज्यपाल हैं बच्चे उस राज्य के वो क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, ठीक है ना, विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन को क्या किया जाए, लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता है बच्चे। तो किसी राज्य में अगर संवैधानिक तरीके से वहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं है या संविधान में बताए हुए जो नियम है उसके अनुसार अगर कार्य नहीं हो रहा है बच्चे तो जो राज्यपाल है बच्चे वो राष्ट्रपति से निवेदन कर सकते हैं कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल है इसलिए इस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए और आर्टिकल 356 के आधार पे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और उस राज्य की जो शक्तियाँ हैं यानी राज्य सूची में जो उस राज्य को शक्तियाँ दी गई हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ हम किधर ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चे, भारत के संसद को ट्रांसफ़र कर दिया यानी उस राज्य से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो भारतीय संसद को होगा बच्चे। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अगला आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चे, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है बच्चे, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है बच्चे। तो वहाँ पे अनुच्छेद 124 है बच्चे यानी आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रावधानों को लिखा गया है बच्चे, ठीक है। लेकिन महाभियोग जो शब्द है बच्चे ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया तो जाता है, महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया लागू होती है लेकिन शब्द जो है महाभियोग लगाया नहीं जाता है, लागू नहीं किया जाता उनके लिए, उनके लिए रिमूवल रिजोल्यूशंस लाया जाता है, ठीक है, हटाने के प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव जो है वो संसद में रखा जाता है और उसी के आधार पर उन्हें हटाने से संबंधित चीज़ों को ली जाती है बच्चे। आगे आते हैं बच्चे और अगला देखते हैं कि संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है, संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है, तो वहाँ पे जनरली आता है बच्चे सिंधी भाषा, तो जो सिंधी भाषा है बच्चे वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया था बच्चे। तो ये चीज़ें जनरली क्या करना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे कि सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको बच्चे निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति निश्चित करते हैं कि
जो सांसद हैं और उन सांसदों की योग्यता को लेकर अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का समाधान कैसे होगा, तो राष्ट्रपति इसमें इस विवाद को हल करने के लिए कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से निर्वाचन आयोग की भी क्या करते हैं, सलाह को लेते हैं बच्चे। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का। तो जर्नलिस्ट वहाँ पे 44वां संविधान संशोधन के एक उपबंध में यह व्यवस्था है कि आपातकाल की स्थिति में भी एक मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, वह मौलिक अधिकार कौन सा है बच्चे। दोबारा से प्रश्न पढ़ता हूँ, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं बच्चे, कि 44वें संविधान संशोधन के एक उपबंध में यह व्यवस्था है कि आपातकाल की स्थिति में भी एक मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वह मौलिक अधिकार कौन सा है। तो वहाँ पे बच्चे जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चे, इसे आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी अनुच्छेद 20 और जो अनुच्छेद 21 हैं बच्चे वो आपातकाल में भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो सीधा आपसे हो सकता है कि कभी अनुच्छेद ही पूछ लिया जाए बच्चे। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, ठीक है। और अगला प्रश्न जो है बच्चे वो है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है बच्चे, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है बच्चे। तो अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज पे कई समितियां हैं, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय समिति है बच्चे, अशोक मेहता है, सिंघवी समिति है, तो ऐसी बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन इस सभी समितियों में बहुत अधिक सिमिलरिटी है बच्चे उनके रिकमेंडेशंस में। अशोक मेहता ही समिति ऐसी समिति थी जिसने पंचायत में टू टायर की बात की थी बच्चे, इसलिए पंचायती समिति से जब भी प्रश्न उठता है बच्चे, प्रश्न बनता है, तो वो लोग जर्नलिस्ट अशोक मेहता समिति से ही पूछते हैं बच्चे। तो ये आपको जर्नलिस्ट क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद को यह अधिकार देता है कि वो मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बच्चे। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद को यह अधिकार देता है कि वो मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो वो 24वां संविधान संशोधन है बच्चे, यानी राज्य नीतिक निर्देशक तत्व को लागू करते समय मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, अगर वो पूरे समाज के कल्याण से संबंधित हो। वरना संसद को तो मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो था वो पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन ये अधिकार उन्हें प्राप्त है बच्चे। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है बच्चे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ठीक है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के उपबंध हैं बच्चे। तो आर्टिकल 368 में आप क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन के उपबंध को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है बच्चे। तो ये चीज़ें जनरली ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, कि केंद्र राज्य संबंध आयोग सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो मार्च 1983 में, या तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे कि सरकारी आयोग जो है उसकी नियुक्ति किसके लिए की गई थी, तो केंद्र और राज्य संबंधों के लिए किया गया था। केंद्र और राज्य संबंधों में जो विवाद उत्पन्न हो रहे थे बच्चे, उन विवादों के समाधान के लिए सरकारी आयोग नियुक्ति की गई थी, पुंछी आयोग नियुक्त किया गया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लाया गया था बच्चे, राजमन्नार समिति नियुक्त की गई थी। तो ये केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़ी हुई क्या है बच्चे, समितियां हैं जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 368 में, ठीक है, केवल संशोधन प्रक्रिया का उपबंध है और उसमें संसद को संविधान संशोधन की मूल शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं बच्चे। ये गोलकनाथवाद में बोला गया था कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है बच्चे। अगला आते हैं बच्चे,
ठीक है, अगला एक प्रश्न जो था बच्चे वो भी काफ़ी लैंडमार्क एक केस से संबंधित केस से संबंधित प्रश्न है बच्चे, कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। दोबारा से प्रश्न आप लोग के सामने पढ़ देता हूं बच्चे, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो उसका जवाब है बच्चे केशवानंद भारतीय बनाम केरला राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है, वो है केशवानंद भारतीय बनाम केरला राज्य बच्चे। तो संसद जो है वो संविधान के बुनियादी ढांचे को छोड़कर संविधान के बाकी भागों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संविधान और बुनियादी ढांचे में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है बच्चे, ये ध्यान में रखना है। आगे आते हैं बच्चे, ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है बच्चे अभी के NTA ने अभी एग्ज़ाम्स JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का लिया था बच्चे, उसमें भी ये प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, यानी भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, तो वो 1951 में किया गया था। ठीक है, तो जो पहला संशोधन है वो 1951 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे, 50 मत टिक कर दीजिएगा। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, वो जमींदारी प्रथा को एबॉलिश करने से रिलेटेड था, जमींदारी प्रथा को एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड करने से संबंधित था, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, संवैधानिक संशोधन में सबसे अधिक व्यापक संशोधन कौन सा है, संवैधानिक संशोधनों में सबसे अधिक व्यापक संशोधन कौन सा है, वो है 42वां संविधान संशोधन बच्चे। जो 42वां संविधान संशोधन है बच्चे वो संसद को ये अधिकार, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के कई भागों में एक तरह से क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, और इसको एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है, और यही संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसीज को काफ़ी समय तक खींचा था, उन्होंने इमरजेंसीज को लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया था बच्चे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखता है बच्चे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखा जाता है बच्चे, ठीक है, कि भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था बच्चे। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो है जीवी मावलंकर के अंदर लाया गया था बच्चे, जीवी मावलंकर के खिलाफ एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे आते हैं बच्चे, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी, 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की बैठक हुई थी, मतलब जिसको हम लोग संयुक्त बैठक बोलते हैं, और संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 में एक्सप्लेन किया गया है बच्चे, और संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, कि जब किसी विधेयक पे दोनों सदनों की सहमति नहीं बन पाती है और वो विधेयक राष्ट्रीय हितों से संबंधित है बच्चे, तो उस प्रकार के विधेयकों पे राष्ट्रपति जो हैं बच्चे वो क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकते हैं अनुच्छेद 108 के अनुसार। तो वो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में था बच्चे, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में ही संयुक्त बैठक की गई थी, और माना जाता है कि दहेज उन्मूलन विधेयक तो हमारे यहाँ लागू है बच्चे, लेकिन उसके बाद भी हम दहेज प्रथा को रोक नहीं पाए बच्चे, और जो प्रोफेसर अमर सेन है बच्चे वो मानते हैं कि दहेज जो उन्मूलन विधेयक है वो आज का सबसे बेकार कानून है, कि वो एक ऐसा कानून है कि जिस कानून के द्वारा दहेज प्रथा उन्मूलन को हम रोक नहीं पाए बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और अभी तक 3 ऐसे अधिनियम विधेयक थे बच्चे जिनके लिए संयुक्त बैठक अभी तक हुई है, मतलब 3 ऐसे विधेयक हैं जिनके लिए संयुक्त बैठक है बच्चे। आगे आते हैं बच्चे और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे,
ठीक है, कि संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों की सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ पे आंसर है बच्चे आचार्य जेवी कृपलानी। तो जो आचार्य जेवी कृपलानी थे बच्चे, वो मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी बच्चे, उस समिति के क्या थे, उप समिति के जो थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे बच्चे। आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न अभी के NTA JNU पेपर में पूछा है बच्चे कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के पश्चात, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाती है बच्चे। तो वहाँ पे जर्नलिस्ट आपको ध्यान में रखना है बच्चे कि जो वित्तीय आपातकाल जो लागू किया जाता है वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा लागू किया जाता है, और वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के आदेश से तो लागू हो जाता है, लेकिन वो वित्तीय आपातकाल को अगर आगे बढ़ाना है बच्चे तो उसमें 2 महीने का समय दिया जाता है, यानी 2 महीने के अंदर आपको वित्तीय आपातकाल को दोनों सदनों से रेक्टिफाई कराना पड़ेगा, यानी अनुमोदित कराना पड़ेगा, तभी वो वित्तीय आपातकाल क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको जर्नलिस्ट क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस समय पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी के जो लॉकडाउन थे बच्चे, जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन को कहीं ना कहीं अघोषित वित्तीय आपातकाल लोग बोल रहे हैं बच्चे, व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में नहीं, क्योंकि उसमें भी देखा गया है कि वित्तीय आपातकाल जो होता है बच्चे, उसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं चाहे केंद्र और राज्य, उनकी सैलरी को एक तरह से कम किया जाता है, उनकी सैलरी कट की जाती है बच्चे, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी जजेस आते हैं बच्चे। तो अभी तक तो देश में कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल को संवैधानिक तरीके से लागू नहीं किया गया है बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे कि प्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था बच्चे, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले पंचायती राज अगर लागू हुई थी तो राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था बच्चे, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है। तो वहाँ पे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है बच्चे, क्योंकि संसदीय प्रणाली में जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो मंत्री परिषद में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद का एक प्रकार से त्याग पत्र माना जाता है और फिर नई लोकसभा को दोबारा से आपको क्या करने पड़ेगा, गठित करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है बच्चे। और किसी भी सत्र में अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है, वो सत्र काफ़ी दिन चलता है, मतलब 1 से 1.5 महीने चलता है, तो उस पूरे 1 से 1.5 या 2 महीने के सत्र में, कोई निश्चित नहीं है, तो उस पूरे सत्र में एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, और ये विपक्षीय दल के द्वारा रूलिंग पार्टी के कार्यों के अगेंस्ट लाया जाता है। तो ये आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 17 से काफ़ी क्वेश्चन पूछा है बच्चे, पहले स्टेट PCS में भी पूछा जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं। तो वहाँ अस्पृश्यता है बच्चे अनुच्छेद 17 में, यानी छुआछूत जैसी चीज़ों को हमारे यहाँ प्रतिषेधित किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छूत और अछूत जैसी चीज़ें नहीं करेगा, लेकिन जहाँ समाज आज भी शिक्षित नहीं है बच्चे वहाँ भी इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चे। तो आज की क्लास में बस बच्चे हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, पार्ट 6 में इतना ही रखते हैं, पार्ट 7 लेकर आऊँगा मैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे बच्चे और प्लस आंसर होंगे, तो इसको आप सुनिए। अगर अच्छा लगता है तो बच्चे इसे लाइक भी करें, अभी क्लासेस के चैनल को आप लाइक भी करें और प्लस सब्सक्राइब भी करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर भी करें। थैंक यू।